नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ब्रांड न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। तीन कृषि कानूनों और MSP की गारंटी को लेकर किसानों का आंदोलन पिछले 9 महीने से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जारी है। अब किसानों ने लखनऊ को घेरने का ऐलान किया है। पिछले दिनों भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने लखनऊ में आंदोलन करने की धमकी दी। इस पर उत्तर प्रदेश BJP ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए एक कार्टून शेयर किया है, जिस पर अब बवाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश BJP के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ओ भाई जरा संभल कर जइयो लखनऊ में हैंडल से शेयर किए गए इस कार्टून में राकेश टिकैत जैसी छवि के व्यक्ति को दिखाया गया है, जिसके कंधे पर किसान आंदोलन का भार है। सुना लखनऊ जा रहे तुम कि मैं पंगा ना ले भाई, योगी बैठिया है बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। इस कार्टून पर जबरदस्त बवाल हो रहा है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, आपका क्या मतलब है, एक किसान लखनऊ या UP में विरोध नहीं कर सकता, योगी बैठिया है जा, आप लोग विरोध करने के लिए व्यक्ति का अधिकार लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं कि किसान बिल किसानों के पक्ष में नहीं है, ये किसान बिल सिर्फ निजी संगठनों के लिए मुनाफा कमाने के लिए है। UP BJP के स्ट्रीट पर जबरदस्त बवाल हो रहा है। कई लोग इसे किसान विरोधी मानसिकता कह रहे हैं तो कई लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ करने वालों का कहना है कि यूपी में योगी राज है, उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने वाले और लोगों को भड़का के गुंडई करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। UP BJP के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट पर बवाल बढ़ता जा रहा है। हालांकि BJP बचाव की मुद्रा में आ गई है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की अपनी अपनी अलग अलग ही दलील है। उनका कहना है कि यूपी में अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यहाँ योगी सरकार है। CM प्रदर्शन की आर्स में अराजकता फैलाने वालों का क्या हश्र हुआ है, ये सबके सामने है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह ने साजन ने कहा कि BJP ने अपने ट्विटर हैंडल से फोटो ट्वीट कर अपनी मानसिकता दर्शा दी है कि किसान नेता का किस तरीके से बाल पकड़ कर खींच रहे हैं और उनकी टोपी गिर रही है। यह BJP है जो किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और मवाली बोलती है। यह किसानों का घोर अपमान है। इस ट्वीट पर कांग्रेस हमलावार है। पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के मुद्दे पर पूरी तरीके से बेशर्मी से उतर आई है। देखिए यह लोग किस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, कभी किसानों को बवाली कहते हैं तो कभी पाकिस्तानी, कभी अफगानिस्तानी तो कभी खालिस्तानी कहते हैं। ये नहीं कि किसानों के मुद्दों को सुलझाएं। इस बार BJP वाले गांव में जाएं तो पता चलेगा कि कौन किसका बक्कर उतारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।